अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर, कई ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, गांव चुपका के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार, गांव से 3 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र बनने से नाराज, ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन ने नहीं बनाया बूथ, सुबह 7 बजे से चल रहा है मतदान, एक ग्रामीण ने नहीं डाला है वोट। तो बड़ी खबर आपको हम अमरोहा से बता रहे हैं, जहां पर कई ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि गांव चुपका के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है, गांव से 3 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र बनने से ग्रामीण नाराज हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन ने बूथ नहीं बनाया, सुबह 7 बजे से चल रहा है मतदान, एक भी ग्रामीण ने नहीं डाला है वोट। तो अमरोहा से आपको हम इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कई ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। आपको बता दें गांव चुपका के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है, गांव से 3 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र बनने से ग्रामीण नाराज हैं। वहीं ग्रामीणों ने ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने बूथ नहीं बनाया। तो बड़ी खबर अमरोहा से। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, हरदोई में कोरोना का कहर जारी, जिले में 215 नए कोरोना मरीज मिले, हरदोई में कोरोना से अब तक 126 मौतें, जिले में कोरोना के एक्टिव मरीज 1255, कोरोना के कुल 7480 पॉजिटिव केस। तो बड़ी खबर हरदोई से है, जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुलफाम। तो गुलफाम जी, लगातार बात करें हरदोई की, तो वहां पर कोरोना के जो मामले हैं सामने आते जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं हरदोई में कोरोना का कहर जारी है, लगभग 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की मौतें हो चुकी है, और आज सुबह अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 215 नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं आपको बता दूं पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं उसमें टोटल एक्टिव केस जो है 1255 है, और टोटल पॉजिटिव केस अभी तक जो जितने भी हुए हैं 1480 है। अगर वहीं हम रिकवरी रेट की बात करें तो 81.53% हो गया है, और सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 2.5% है। कहीं ना कहीं हरदोई में कोरोना का कहर जारी है, और लोगों के अंदर अभी भी कोरोना गाइडलाइन की जागरूकता नहीं है, और ना ही प्रशासन कोरोना गाइडलाइन की पालन करा पा रहा है। तो किस तरह से जैसे सड़कों पर लोग बिना मास्क के दिखे, चालान भी उनका काटा गया, और कई तरह के ऐसे अभियान भी चलाए गए जिससे कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, तो क्या कहां पर ऐसी प्रशासन की चूक सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कोरोना को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार सख्त रवैये में है, वहीं कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो हरदोई के प्रशासन जो है उसकी व्यवस्था बिल्कुल लचर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो कोरोना गाइडलाइन की पालन कराने में फेल होता नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो प्रशासन के जितने भी दावे हैं, जितने भी उसके दिशा निर्देश हैं, सब हवाई नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन अगर वही बात करें हॉस्पिटल्स की, तो क्या वहां पर इंतजाम है? क्योंकि लगातार लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनसे मौतें हो रही है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, और कहीं ना कहीं भारी किल्लत देखने को मिल रही है। तो हरदोई की बात करें तो वहां के अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं हरदोई की मेडिकल व्यवस्था के बारे में बता दूं, मेडिकल विभाग की तरफ से बिल्कुल अच्छी व्यवस्था कर रखी गई है, यहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। और जितनी भी बात करी जाए अगर मेडिकल से कोरोना से रिलेटेड बात करी जाए तो हरदोई का मेडिकल डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुलफाम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरदोई से इस खबर पर हमारे साथ गुलफाम जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक सामने आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं सख्त रवैया नहीं अपना पा रहा है, क्योंकि लगातार हरदोई से भी हम आपको लगातार हर दिन बता रहे जिस तरह से वहां पर कोरोना के आंकड़े सामने आते रहते हैं, और लगातार हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता गुलफाम भी जुड़ रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो वहां की व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, और इसका यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वहां के जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। तो बड़ी खबर हरदोई से, लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वही बात करें मृतकों की संख्या की, तो उसमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं इसी बीच सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर,
पुलिस अधीक्षक समेत 214 लोग संक्रमित। पुलिस अधीक्षक को होम आइसोलेट किया गया। एसपी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। तो बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक समेत 214 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक को होम आइसोलेट किया गया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे संवाददाता रविंद्र जी। तो रविंद्र जी, जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले वहां पर बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं पर अब पुलिस अधीक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, क्या कुछ कहना है आपका? जी, यहाँ पे दिन प्रतिदिन डेली प्रतिदिन कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब आज पुलिस अधीक्षक खुद जब संक्रमित उनकी रिपोर्ट आई तो पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो भी लगातार सड़कों पर हैं और लगातार अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो क्या जो लोगों को तो जागरूक किया जा रहा है, लेकिन वहां पर अगर बात करें पुलिस वालों की, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे लोगों को सैनिटाइज और प्लस मास्क वगैरह बांटे जाए, लेकिन बात करें पुलिस अधीक्षकों की तो उनके प्रति क्या? जी बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक देखने को मिल रही है। उसके बाद आज भी आम आदमी के अंदर उतनी गंभीरता नहीं देखी जा रही है। आज भी लोग सड़कों पे बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, देखने को ऐसी काफी तस्वीरें मिलती नजर आ रही हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं सख्ती बरतता दिखाई दे रहा है, साथ में जो लोग हैं वो भी मास्क का प्रयोग नहीं करते पाए जा रहे हैं। तो लगातार इस तरह की जो लापरवाही बरती जा रही है लोगों के प्रति, साथ में पुलिस प्रशासन के साथ, तो इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मौतों का बात करें तो उनमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे सोनभद्र से, जहां पर लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब पुलिस अधीक्षक समेत 214 लोग संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस अधीक्षक को होम आइसोलेट किया गया है। इसी बीच आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, द्वितीय चरण में 19 अप्रैल को हुआ त्रिस्तरीय मतदान। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में पुलिस फोर्स तैनात। गांव के लोगों ने सुबह से ही वोट डालने के लिए लगाई लाइन। मास्क लगाकर गांव के लोग कर रहे हैं मतदान। तो बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां पर द्वितीय चरण में 19 अप्रैल को त्रिस्तरीय मतदान हुआ है। आपको बता दें कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं गांव के लोगों ने सुबह से ही वोट डालने के लिए लंबी लाइनें लगाई और मास्क लगाकर गांव के लोग मतदान कर रहे हैं। तो आजमगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मतदान के लिए लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि लोगों ने मास्क लगाकर पहुंचे और वहां पर सकुशल जो मतदान है उनको संपन्न कराया। तो बड़ी खबर है ये आपको बता रहे, जहां पर लगातार लोगों का जो पहल सामने आई है, मास्क लगाकर गांव के लोगों ने मतदान किया, साथ में जितनी भी कोरोना गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालन करते नजर आए। इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार का कोरोना को लेकर बड़ा फैसला। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर बड़ा फैसला। प्रोक्योरमेंट से सप्लाई तक का हिसाब रखा जाएगा। इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए कंट्रोल रूम बनेगा। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, लगातार आपको बता दें कि ऑक्सीजन और इंजेक्शन के जो किल्लत पड़ती दिख रही है उसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है कि अब इनका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। आपको बता दें कि कल ही सीएम केजरीवाल ने इस पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अब जो हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें लगातार बेड की कमी पाई जा रही है और इसके साथ में ऑक्सीजन और इंजेक्शंस की भी कमी पाई जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से भी बात की। वही अब बड़ा फैसला लिया गया है रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर, जहां पर प्रोक्योरमेंट से सप्लाई तक का अब हिसाब रखा जाएगा, क्योंकि लगातार जो किल्लत देखने को मिल रही है अस्पतालों में वो वाकई में काफी भयावह स्थिति सामने आ रही है उसकी। तो बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर अब दिल्ली सरकार कोरोना को लेकर बड़ा फैसला लिया,
रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर ये फैसला लिया गया, जहां पर अब इसका भी हिसाब रखा जाएगा। प्रोक्योरमेंट से जितनी भी सप्लाई की जा रही है उसका हिसाब रखा जाएगा, वह इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए अब कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। वहीं इसी बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, दूसरे राज्य से आने वालों की टेस्टिंग होगी, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर टेस्टिंग होगी, राज्य के बॉर्डर पर यात्रियों की टेस्टिंग होगी, आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी पर कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि दूसरे राज्य से जो लोग आ रहे हैं अब उनकी टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं वो अपने आप में एक भयावह स्थिति दर्शा रहे हैं कि अब इसको लेकर भी फैसला जारी किया गया, जहां पर अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको हम ये दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्य से आने वालों की टेस्टिंग होगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में कोरोना संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, यूपी में कोरोना के मामले 30,000 पार, प्रदेश में 24 घंटे में 129 लोगों की मौत, लखनऊ में 24 घंटे में 5,551 नए केस। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अब यूपी में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड पूरी तरह से टूट चुका है, प्रदेश में 24 घंटे में 129 लोगों की मौत हो चुकी है, लखनऊ में 24 घंटे में 5,551 नए केस सामने आए हैं। इसी बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर, चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। पच्चीस अप्रैल तक चांदनी चौक बाजार बंद रहेगा, दिल्ली किराना कमेटी का भी मिला समर्थन, तिलक बाजार केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन भी साथ, 21 अप्रैल तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। तो बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, 25 अप्रैल तक चांदनी चौक बाजार बंद रहेगा, दिल्ली किराना कमेटी का भी इसमें समर्थन मिला है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में आज रात से लागू होगा कर्फ्यू, आज देर रात से लागू है कर्फ्यू, दिल्ली में आज से एक हफ्ते तक लगा कर्फ्यू। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां पर लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर आज रात से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि देर रात से कर्फ्यू लागू है और इसको एक हफ्ते तक लागू करने का फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है, ये कर्फ्यू एक हफ्ते तक लागू रहेगा। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि एक हफ्ते तक दिल्ली में कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम ने भी कल बात की केंद्रीय मंत्रियों से, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार दिल्ली में अब कोरोना को लेकर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर अब अस्पतालों में भी किल्लत देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर
बेड की कमी हो रही है, साथ में ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, जिससे लगातार जो मरीज हैं वो दम तोड़ रहे हैं। तो लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आज से एक हफ्ते का कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आज रात से जो कर्फ्यू लागू है उसे एक हफ्ते तक लागू किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि एक हफ्ते तक दिल्ली में अब कर्फ्यू लागू किया जाएगा, क्योंकि लगातार वहां पे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वही मौतों की बात करें तो उनका भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इसी बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर, अस्थाई कोविड हॉस्पिटल आज से शुरू होगा। सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल आज से शुरू, सरदार पटेल डीआरडीओ का स्थाई कोविड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आईसीयू सुविधा के साथ 500 बेड होंगे। डीआरडीओ के डॉक्टर्स और स्टाफ तैनात रहेंगे। तो बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए स्थायी कोविड हॉस्पिटल आज से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल आज से शुरू किया जाएगा। वहीं सरदार पटेल डीआरडीओ का स्थायी कोविड हॉस्पिटल शुरू किया जाएगा, जिसमें आईसीयू सुविधा के साथ 500 बेड भी होंगे। वहीं डीआरडीओ के डॉक्टर्स और स्टाफ भी वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पर भी मरीजों के लिए वहां पर भी खतरा होता जा रहा है, क्योंकि लगातार बेड फुल हो चुके हैं। वहीं ऑक्सीजन की भी किल्लत होती जा रही है। तो लगातार जिस तरह से जो केसेस सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए डीआरडीओ का जो हॉस्पिटल है उसको आज से लागू किया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर्स के साथ में उनका स्टाफ भी मौजूद रहेगा। तो राहत की बात है ये दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे लगातार, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पर भी बेड्स की कमी हो रही है। इसी बीच कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना मरीजों के लिए राहत भरी खबर, 20 टन का ऑक्सीजन का कैप्सूल पहुंचा रायबरेली से कानपुर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाया गया ऑक्सीजन का कैप्सूल, अब कानपुर के सभी हॉस्पिटल को मिल जाएगी ऑक्सीजन। तो बड़ी खबर कानपुर से, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है अस्पतालों में, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं अब जो ऐसे मरीज है उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि 20 टन का ऑक्सीजन कैप्सूल रायबरेली से कानपुर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि इस ऑक्सीजन कैप्सूल को जो पहुंचाया गया है उसको कड़ी सुरक्षा के साथ कानपुर में पहुंचाया गया है। तो बड़ी खबर कानपुर से, क्योंकि कानपुर के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि कोरोना मरीज जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।